इंकरगुरु के हिंदी जीके और हिंदी करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। हिंदी सामान्य ज्ञान तथा हिंदी करंट अफेयर्स को समर्पित चैनल है। यह चैनल प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, राजस्थान आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरआरबी, यूपीएससी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंकर गुरु। 30 अप्रैल 2018 हिंदी जीके एवं करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तरी। 1. 2018 आयुष्मान दिवस किस तारीख को मनाया गया? आंसर 29 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन: ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयुष्मान भारत दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया। इसके दौरान पूरे देश में हेल्थ कैंप लगाकर लोगों को ग्राम स्वराज अभियान के बारे में जानकारी दी जाएगी। ग्राम स्वराज अभियान लोगों को सस्ता और आसान इलाज देने के लिए एक कार्यक्रम है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर गरीब और कमजोर आबादी वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। एक लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों से नकद रहित लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी। आयुष भारत में 2 मिशन हैं। पहले मिशन का उद्देश्य लोगों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नेटवर्क बनाना है। दूसरे का इसका उद्देश्य अस्पताल में भर्ती लागत सहित माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए भारत की 40% आबादी को बीमा कवरेज प्रदान करना है। 2. प्रजनन गुणेश्वरन ने एटीपी चैलेंजर सर्किट पर अपना पहला एकल टेनिस खिताब जीता है। वो किस शहर से आते हैं? आंसर चेन्नई। एक्सप्लेनेशन: चेन्नई से आने वाले प्रजनन गुणेश्वरन ने एटीपी चैलेंजर सर्किट पर अपना पहला एकल टेनिस खिताब जीता है। चीन के इंगिंग में कुनमिंग ओपन के फाइनल में उन्होंने मिस्र के मोहम्मद सफवत को 3 सेटों में 5-7, 6-3, 6-1 पराजित किया। उन्हें $21,600 का पुरस्कार दिया गया और 125 पॉइंट्स मिले, जिससे उन्हें टॉप 200 खिलाड़ियों में जगह मिली है। फाइनल रैंक 30 अप्रैल को जारी की गई। टॉप 200 में भारत के 3 खिलाड़ी हैं। 1. यूकी भामप्रीत 83, 2. रामकुमार रामनाथन 115, 3. प्रजनन गुणेश्वरन 175, 3. 2018 बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर राफेल नडाल। एक्सप्लेनेशन: स्पेनिश प्रोफेशनल खिलाड़ी राफेल नडाल ने 29 अप्रैल 2018 को अपना 11वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। उन्होंने ग्रीक खिलाड़ी स्टीफेनस तसित्सिपस को 6-2, 6-1 सेकंड हराया। इसके साथ ही नडाल ने 400 करियर जीत हासिल करने के साथ कई रिकॉर्ड हासिल किए। बोकले और हार्ड पर 400 या अधिक मैच जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। 4. किस प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करने के लिए मो पर हस्ताक्षर किया है? आंसर महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करने के लिए मो पर हस्ताक्षर किया है। इस मो के बाद राज्य में ब्रिटिश काउंसिल अपना कार्य बढ़ाएगा, जहां काउंसिल के 1 लाख शिक्षकों ने 50 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षित किया है। संभावित सहयोग के क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षण में सुधार और स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों में रोजगार क्षमता बढ़ाने, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में क्षमता बनाने और कला और संस्कृति के माध्यम से राज्य में सैकड़ों हजारों लोगों को प्रेरणा देने के लिए आगे की पहल विकसित करने में और पहल विकसित करना शामिल है। 5. 26वां पीसी चंद्रा पुरस्कार किसने जीता है? आंसर आशा भोसले। एक्सप्लेनेशन: संगीतकार आशा भोसले को 29 अप्रैल 2018 को मुंबई में साइंस सिटी ऑडिटोरियम में लाइफटाइम पीसी चंद्रा पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पीसी चंद्रा ग्रुप के संस्थापक स्वर्गीय श्री पूर्ण चंद्र चंद्रा को श्रद्धांजलि है। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 6. अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 29 अप्रैल।
एक्सप्लेनेशन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को नृत्य कला के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस जैन जॉर्ज नोवेरे 1727-1810 जो आधुनिक बैले के संस्थापक थे उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 को हुई। यूनेस्को की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय नाच समिति ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। 7. माय जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म के लेखक कौन है? आंसर सीएच हनुमंता राव। एक्सप्लेनेशन माय जर्नी फ्रॉम मार्क्सिज्म लेनिनिज्म टू नेहरूवियन सोशलिज्म के लेखक सीएच हनुमंता राव हैं। सीएच हनुमंता राव योजना आयोग और वित्त आयोग के पूर्व सदस्य हैं। श्री राव वर्तमान में भारत में सबसे रचनात्मक विचारकों सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री में से एक हैं। उन्होंने इस पुस्तक में 1975 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल का ज्यादा जिक्र नहीं किया है। हालांकि पुस्तक से यह पता चलता है कि वो आपातकाल से दुखी थे। 8. 2018 अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर लुम्बिनी। एक्सप्लेनेशन 29 अप्रैल 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। यह सम्मेलन गौतम बुद्ध की 2562वीं जयंती के दौरान हुआ। सम्मेलन का मूल उद्देश्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करना था और अहिंसा, भाईचारे, सह अस्तित्व, प्रेम और शांति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में फैलाना था। इसमें 20 सेकंड अधिक देशों से इतिहासकार, बौद्ध गुरु, आर्कियोलॉजिस्ट शामिल हुए। इसकी थीम लुम्बिनी नेपाल भगवान बुद्ध का जन्मस्थान और बौद्ध धर्म का झरना और विश्व शांति है। 9. बहुराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास पीस मिशन 2018 का आयोजन किस देश में हो रहा है? आंसर रूस। एक्सप्लेनेशन आतंकवाद विरोधी अभियान पीस मिशन 2018 का आयोजन रूस के यूराल की पहाड़ियों में किया जा रहा है। यह आयोजन शंघाई सहयोग संगठन स्कोप के तहत होगा। अभ्यास का उद्देश्य 800 सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के सहयोग को बढ़ाने के लिए होगा। यह आजादी के बाद पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान किसी अभ्यास में हिस्सा लेंगे। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र शांति पालन मिशन में एक साथ काम किया है। ड्रिल को भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की बहाली भी दिखाई देगी, जिसे 73 दिनों के डोकलम स्टैंड ऑफ के बाद 2017 में निलंबित कर दिया गया था। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा की गई। भारत और पाकिस्तान पिछले वर्ष ही इसके सदस्य बने थे। 10. टिहरी बांध किस प्रदेश में है? आंसर उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड में टिहरी के पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और जलाशय वाला तटबंध बांध है। इसका निर्माण 1978 में शुरू किया गया जो 2006 में पूर्ण हुआ। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर 855 फुट है। इसकी लंबाई 575 मीटर 1886 फुट है। इसके जलाशय की क्षमता 4 वर्ग किमी है। थैंक्स।